मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज लोकतंत्र खतरे में है, पीएम मोदी तानाशाह के रूप में काम कर रहे हैं, ईडी सीबीआई से लोगों को डराया जा रहा है, मीडिया भी सच दिखाने से घबरा रहा है। यह बात मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के बागेद्वारा में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि बांसवाड़ा में माही डैम भी कांग्रेस की ही देन है, हमने लोगों को 1 रुपये किलो गेहूं दिया, हमारी सरकार ने बालिकाओं को शिक्षा फ्री दी, करोड़ों रुपए का ऋण माफ कर दिया और पेंशन की राशि बढ़ाई, मानगढ़ धाम भी हमने विकसित किया, बांसवाड़ा में मनरेगा के माध्यम से 2.5 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिला था। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे सहित वहां पर आदि लोग मौजूद रहे। क्या रखा लगातार पड़े, पर क्योंकि आपने कीमत नहीं हारी और हम लोगों ने भी शम्य मेहनत करके ऐसी स्थिति कर दी कि काम के बदले अनाज योजना, अपने गांव में खुद का घर बना लो, कुआं बना लो, कुंड बनाओ, खुद ही करो, पर काम के बदले अनाज मिलेगा और 32 लाख अनाज लेके आए हम लोग, गांव गांव में बांटा और कई घरों में तो गऊ रखे, कहां ये प्रॉब्लम हो गई थी आपको याद हो। उस वक्त वसुंधरी कहती थी, जो मुख्यमंत्री थी अभी पहले, कि अशोक गहलोत को जाके दिल्ली में भीख मांगता फिरता गेहूं की सड़कों पर, गेहूं की भीख मांगता मुख्यमंत्री होकर। मैंने कहा मुझे गर्व होगा भीख मांगने में अगर मेरी जनता की भूख मिटती हो तो। 3 महीने हमारी सरकार ने जो काम किया है लोग उसको पसंद कर रहे हैं, चाहे वो कर्जा माफी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे पेंशन हो, हम लोगों ने हर जगह काम किया, नरेगा को दोबारा जीवित किया है। ये चुनाव नौजवान, किसान, रोजगार, अर्थव्यवस्था के ऊपर होगा, ना कि मंदिर मस्जिद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।